मुख्यमंत्री ने जीतो अहिंसा रन का फ्लैग ऑफ कर बढ़ाया धावकों का उत्साह। कहा शांति और अहिंसा विभाग बनाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य। आरटीई के तहत अब 12वीं तक के छात्रों को भी मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। राज्य सरकार करेगी छात्रों की फीस का पुनर्भरण। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। 250 करोड़ रुपए की लागत से होगा हर कॉलेज का निर्माण। राज्य सरकार की शांति और अहिंसा की भावना को साकार करती जीतो अहिंसा रन रविवार को आयोजित हुई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सुबह 6:30 बजे श्री महावीर जैन दिगंबर विद्यालय से फ्लैग ऑफ कर धावकों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री महावीर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा, शांति और सत्य के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। हम सभी को उनके बताए रास्तों पर चलने के साथ साथ उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। हमें मैराथन जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेकर जीवन में अहिंसा का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वही परिवार, समाज, प्रदेश में आगे बढ़ता है जो अहिंसा और शांति के रास्तों पर चलता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में होने वाले जीतो कनेक्ट 2023 के पोस्टर का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जीतो और लेडीज विंग की ये पहल युवाओं को प्रेरित करेगी। हमारी सरकार जो है उनकी सोच वही है जो भगवान महावीर की थी और महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए थे जैन मुनि से और वहीं से उन्होंने एक संदेश दिया पूरे देश को। आज हमें गर्व है कि पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देखती है, हिंदुस्तान की तरफ, जहाँ से शांति व हिंसा का संदेश दुनिया भर में फैला। और इसीलिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहाँ पर प्रस्ताव किया सर्वसम्मति से, आज पूरी दुनिया के अंदर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और अहिंसा का नाम आते भगवान महावीर का नाम आता है, वो दिवस मनाया जाता है। तो और उसके नाम से, उसकी भावना से जो ये जीतो अहिंसा रन का आयोजन किया गया, क्योंकि इस तरह की जो मैराथन होती है उसके माध्यम से एक मैसेज जाता है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश भर में अहिंसा और शांति विभाग बनाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भावना है कि शांति और अहिंसा का मैसेज घर घर तक पहुंचे। देश की एकता और अखंडता के लिए शांति और अहिंसा की सद्भावना रहनी चाहिए। देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ पर शांति व अहिंसा का विभाग बनाया हम लोगों ने। मुझे खुशी है कि आज मैं मैराथन दौड़ में यहाँ पर भाग लिया। मैंने उसको रवाना किया, शुभारम्भ किया। शांति सद्भावना की आवश्यकता है। हम बार बार कहते हैं कि देश के अंदर भी शांति सद्भावना रहना चाहिए। सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलके चलेंगे तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा। ये मेरी भावना है और मैं समझता हूँ कि आज समय की आवश्यकता है। देश दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है उसमें भगवान महावीर का और गांधी का संदेश जो है अहिंसा का और शांति का। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का सपना है कि प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजों की सुविधा आमजन को मिल सके। राज्य सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में राजमैस के अधीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। हर मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रुपए की लागत से होगा। साथ ही इन कॉलेजों में जरूरी उपकरण, फर्नीचर्स और पुस्तकें के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा, साथ ही विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। अब निजी विद्यालयों में
12वीं तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई के तहत पढ़ने वाले छात्रों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आरटीई के जरिए कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था। इसी कड़ी में अब छात्रों को भी कक्षा 1 से 12वीं तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में 20 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने मथुरादास माथुर अस्पताल में बढ़ते कार्यभार को देखते हुए नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। चिकित्सकों और स्टाफ पर कार्यभार कम होगा, जिससे विभागीय काम नियमित और बेहतर ढंग से किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पूर्व दिग्गज क्रिकेटर श्री सलीम दुर्रानी के निधन पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से क्रिकेट जगत और राजस्थान को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। राजस्थान और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी प्रतिभा से कई मैच जिताए। उनका राजस्थान से भी खासा लगाव रहा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान के खेल प्रोत्साहन में उनके योगदान को देखते हुए बजट में उनके नाम से हर संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। प्रदेश में बच्चों एवं की रुचि खेल गतिविधियों प्रारंभ से हो सके, इस दृष्टि में प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 105 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा चूरू के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने जिले भर में हो रहे नवाचारों, रतन नगर के कचरा सेग्रीगेशन और डिजिटल साक्षरता के लिए चलाई जा रही कंप्यूटर सखी का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने रतन नगर पालिका द्वारा बनाए रिसोर्स रिकवरी सेंटर पर कचरा सेग्रीगेशन प्रक्रिया का डेमोन्स्ट्रेशन देखा। उन्होंने मटका विधि से होम कंपोस्ट निर्माण के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न नवाचारों के लिए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा की पहल को सराहा। जिला कलेक्टर की ओर से किए गए नवाचार कंप्यूटर सखी में प्रशिक्षित महिलाओं से भी मुख्य सचिव ने बातचीत की। महिलाओं ने बताया कि पहले उन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जिला कलेक्टर की पहल पर हुए प्रशिक्षण के बाद वो टाइपिंग से लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और वर्चुअल मीटिंग तक करने लगी है। साथ ही राज्य सरकार की शहरी रोजगार गारंटी योजना से उन्हें रोजगार के साथ साथ शिक्षा भी मिल रही है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्य सचिव ने सुजानगढ़ ब्लॉक में चलाई जा रही कंप्यूटर शिक्षा की मोबाइल वैन का भी अवलोकन किया। इस वैन में 20 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। वैन के द्वारा एक दिन में 3 या 4 विद्यालयों में पहुंचकर 20-20 बच्चों को 2-2 घंटे कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वैन के जरिए दूर दराज के अभावग्रस्त बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई करने के साथ साथ बाल गोपाल योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। महात्मा गांधी स्कूल्स में पढ़ने वाले यश शर्मा ने फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए बाल गोपाल योजना के बारे में बताया। यश का आत्मविश्वास देखकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उनकी तारीफ की और तरक्की की कामना की। माय नेम इज यश शर्मा, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 एमजीजी सिटी कोतवाली धौलपुर इन स्टेडियम। इन माय स्कूल बाल गोपाल स्कीम रन्स 2 डेज इन अ वीक। In Balgopal scheme, the class children, students of class 1 to 8 get milk in 2 days, Wednesday and Friday. The milk is very good. The sugar is mixed with milk. The students of class 1 to 5 get 150 ml of milk. And class 6 to 8 get 200 ml of milk. So just bulletin mein filhaal ke liye itna hi. Fir hogi mulaqat. Tab tak ke liye namaskar.